हाँ जी हेलो गाइस, कैसे हो सारे? वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अली आप भी बोलो, क्या बोलो कैसे हो सारे? हाल है? कैसे हो सारे? अच्छा जी, आज हम जो है ना वो स्पेशल ब्लॉग बनाने लगे, क्योंकि आज हमने किसी के साथ मनाया है अप्रैल फूल। कैसा मजा आया कि नहीं? हमने किसी को मैसेज किया है कि मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से किसी को मैसेज किया है, जी मैं जो है हॉस्पिटल में हूँ। तो बेचारे इतने परेशान हो गए, आधी रात को उन्होंने काल पे काल, और सुबह सुबह काल पे काल किया, और कहते हैं हाँ जी क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं सुना है कि तुम तो हॉस्पिटल में मैसेज आए, आपको पता नहीं है डेट क्या है। तो फिर आप समझ ही सकते होंगे कि क्या हुआ होगा आगे। अच्छा, सब आपके साथ कभी किसी ने कोई अप्रैल फूल मनाया हो, या आपने किसी के साथ नहीं बनाया किसी का, कभी भी नहीं जिंदगी में किसी के साथ भी नहीं? नहीं ये क्या हुआ जी, मनाना चाहिए वैसे? लोगों की वाट लगा दी है ना फोकटे। नहीं ऐसे होना चाहिए, हंसी मजाक तो जिंदगी में होना चाहिए। क्यों आलिया, है ना आलिया, किसी को उल्लू बनाना चाहिए ना, मजा आता है बहुत ज्यादा, है ना आलिया? आपने किसी को बनाया? नहीं बनाया। अच्छा क्या खाना है आज खाने में? ये खाया है कहती क्या? कोफ्ते खाने हैं जी, 10 ओवर की खाना भी तो है कोफ्ते। कोफ्ते जी, कोफ्ते खाने। आपको पता है कोफ्ते क्या होते हैं? दाल के कोफ्ते बोलते हैं। ये कौन सी दाल होती है जिसके कोफ्ते होते हैं? उल्लू चले जी, आज बनाने लगी हूँ जी कोफ्ते। तो आप जो है ना वो हमारी रेसिपी को जो है ना वो फॉलो करें, हम जो है ना वो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ जी कोफ्ते, जिसके लिए मैंने ले लिया 1 अदद प्याज, और एक जवा जो है वो लहसुन का, और साथ में 2 सब्ज़ मिर्ची है और धनिया है, और उसमें जाएगा 1/2 किलो कीमा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, मैंने पहले रफ चॉप की हुई है, रफ चॉप करके रखी हुई है। ये मेरे पास कीमा है, इन सबको भी मैं डालती हूँ मशीन में और ब्लेंड कर लेती हूँ। हाँ जब भी मैं इन सब चीज़ों को जो है मशीन में डालती हूँ और अच्छी तरह जो है ब्लेंड कर लेती हूँ, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देती हूँ। धनिया, लहसुन, लहसुन अदरक, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, ये सारा कुछ इसके अंदर। अभी मैं उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखिए कितना फाइन पेस्ट जो है वो बन के तैयार हो गया जी। अभी अभी मैं इसको जो है ना छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ, बल्कि इसमें थोड़ा नमक ऐड करूँगी और फिर इसके बॉल बनाऊँगी। हाँ जी, अभी का सीन इस तरह है कि उधर जो है ना वो मैंने ऑयल रख दिया कोफ्ते फ्राई करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं ऑयल डाल के तो मसाला तैयार करती हूँ। मैंने ऑयल डाल लिया इसके अंदर, फिर इसमें थोड़ा डालेंगे जीरा, इसमें जीरा, और मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज जो मैंने ब्रेक कट करके रखे हुए हैं। मैंने प्याज ब्रेक कट करके रखे हुए थे, तो मैं इसके अंदर ये डालती हूँ, इनको अच्छी तरह भून देती हूँ। हाँ जी, उधर जाना मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखें, ये मैंने जो कोफ्ते बनाए हैं बॉल्स बना के रखे हैं, इनको मैं जरा ऑयल में डालती हूँ और फ्राई करती हूँ। दूसरी साइड पे मैं शामिल करने लगी हूँ जी ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट गैस के अंदर अच्छी तरह बनाई कर लेती हूँ जी। अब
इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट, टमाटर इसमें थोड़ी सब्ज मिर्ची भी मैंने शामिल कर दी थी, अच्छी तरह बुनाई करें। हाँ जी अभी इसमें सारे मसाले डाल लेने जी अभी, सबसे पहले नमक, रेड मिर्च, मेथी, गरम मसाला और हल्दी, सारे मसाले भी इसके अंदर बुनाई करें, इनकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है अभी, मतलब इनका ऑयल जो है ना ये ऑयल ना छोड़ दें, अच्छी तरह बुनाई करें। हाँ जी अब देख सकते हैं हमारे कोफ्ते जो है ना वो एकदम बन के रेडी है, हमने इसे निकाल दी और फिर इसके अंदर शामिल करती हूँ, मुझे जो है ये मसाला भी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है जी, मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल साइड के आ गया, अभी मैं इसमें कोफ्ते डालती हूँ। हाँ जी ये देखें जी ये कोफ्ते बिल्कुल मज़ेदार तैयार हुए हैं, अभी मैं इसके अंदर शाम करती हूँ जी कोफ्ते, हाँ जी ये देखें जी इसमें मैंने डाल दिए हैं कोफ्ते, इनकी अच्छी तरह कोफ्ते दो मिनट बनाई, और इसमें मैं डालूँगी जी थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए, तो आपकी मर्ज़ी आप इसमें पानी डालें या ना डालें, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी क्योंकि वो जो ग्रेवी होती है वो ज़्यादा मज़े की होती है इसकी, तो आप भी इसको इंजॉय करें जी और ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसे बनी है जी। हाँ जी अभी जो है ये खाने लगे हैं जी, मुझे टेस्ट करके बताते हैं जी कैसा बना हमारा हमारे कोफ्ते। अरे गर्म है रोटी, ओहो बिल्कुल जबरदस्त है, हालिया आप भी टेस्ट करो कैसा बना है, हालिया तो बस दो घंटे लगा के खाएगी, बिस्मिल्लाह बहुत गर्म है, चलो खाओ खाओ, बहुत गर्म है ऐसे थोड़ी खाते हो, चलो खाओ बताओ मामा कैसा है, पूरा खा दे ले पहले।